गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी आवर चैप्टर अगेन द ट्रायंफ ऑफ सर्जरी एंड इन दिस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट द ट्रिकीज कंडीशन व्हेन मिस्टर हैरियट और आई कैन से डॉक्टर हैरियट साहिन एंड हाउ द ट्रीट एंड हाउ ट्रिकी well prepared in a short time. So let's see. So students, हम read कर चुके थे. अब हमने read करना है यहाँ से all the while से. इससे पहले हमने read किया था कि किस तरह tricky जो है वो बाकी कुत्तों के साथ घुल मिल जाता है और किस तरह वो उनके साथ खेलता है, उनके साथ हैन हाउस के अंदर जाकर रैट हंटिंग करता है. सो लेट्स सी अगेन एंड टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर ऑल द वाइल. और पूरा समय मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड नेक्सिसली इन द बैकग्राउंड. और पूरा समय क्या था मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड, देखो हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना, चलना फिरना, टहलना. और नेक्सिसली बड़ी चिंता के साथ इन द बैकग्राउंड, मतलब पीछे के आंकन में, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. रिंगिंग उन्होंने फ़ोन किया डजन टाइम, दर्जनों बार अ डे एक दिन में फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. लेटेस्ट ताज़ा बुलेटिन, समाचार या खोज खबर, यानी कि ट्रिकी की कंडीशन को जानने के लिए वे दिन में हम दर्जनों बार फ़ोन किया करती थी. आई डॉज द क्वेश्चंस, और मैं क्या करता, डोज. डोज का मतलब होता है बच निकलना या पास कर देना, छोड़ देना. अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द वेदर. और क्या करते थे, मैं उनके क्वेश्चंस को डॉज करता था, मतलब कि मैं उनके क्वेश्चंस से पास आउट हो जाता या मैं उनसे बच निकलता. अबाउट वेदर, या चाहे वो क्वेश्चन किसके बारे में हो, उसके क्वेश्चंस के बारे में. वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, क्या उन्हें सही तरीके से बदला गया है या चेंज किया गया. और हिज़ करेक्ट कोट वॉन, और क्या उसे सही कोट पहनाया गया है अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार. बट आई वॉज एबल टू टेल, पर मैं सक्षम था बताने में हर, that the little fellow was out of danger, कि जो वो छोटा सा जीव है वो अब खतरे से बाहर है. एंड convalescing rapidly, उसका जो convalescing का मतलब होता है उसकी जो health condition है rapidly, लगातार सुधार में आ रही है. और the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pomfrey. और वो जो कॉन्वलेसिंग जो वर्ड था वो मिसेस पम्फ्रे के लिए काफ़ी इनफ था, पर्याप्त था. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उन्होंने शुरू कर दिया भेजना ताज़े अंडे. टू डजन एट अ टाइम, दो दर्जन एक समय में. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ ताकत बनी रहे. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट. और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा समय था कि मैं और मेरा साथी क्या करते थे, दो अंडों का ब्रेकफास्ट किया करते थे. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब वाइन की बोतल आनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज़, जो वास्तविक जो संभावनाएं थी ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. यहाँ पर डॉन का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ऑन द हाउस होल्ड, मतलब जो स्थितियाँ थी वो घर के शुरुआत में दिखने लगी, यानी उस हाउस की कंडीशन का पता लगने लगा. इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और वो वाइन किस लिए थी, ताकि उस ट्रिकी का ब्लड एनरिच हो सके. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. और क्या किया जाए, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल, जो लंच था हमारा काफ़ी अवसरिक, काफ़ी यानी एक मौका परस्त हम लंच करने लगे. मतलब मौका परस्त का मतलब था कि ऐसा लंच जिसमें कुछ स्पेशल हो. विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन, जिसमें क्या था, दो ग्लासेस ऑफ वाइन थे. बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग, बाद में, पहले और बाद में काफ़ी जो वाइन पी जाती थी. उसके बाद था
उसके बाद है देखो, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रैंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन टिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बड़ी मुश्किल से यकीन हुआ इट व्हेन द ब्रैंडी के ब्रैंडी केम टू पुट लाई गई है फाइनल एज ऑन टिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मतलब फाइनल एज ऑन मतलब उसका जो लास्ट एज लास्ट पॉइंट था ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर है उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है ट्रिकी के स्ट्रक्चर के लिए क्या भेजा गया, मतलब उसकी हेल्थ से रिलेटेड क्या भेजा गया, ब्रैंडी को भेजा गया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो यहाँ पर क्या था, फॉर अ फ्यू नाइट्स कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड मतलब फाइन स्पिरिट रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, हम बड़े शांतिमय ढंग से पिया करते थे और सांस लेते थे। इनहेल्ड मतलब इनहेल का मतलब होता है मतलब जब हम अंदर सांस लेते हैं तो उसको इनहेलिंग कहते हैं। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। देवर डेज वो भी दिन थे ऑफ डीप कंटेंट विचार करने योग्य स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग। तो कंटेंट होता है वैसे तो विषय वस्तु होता है, कंटेंट शुरुआत भी हो सकती है। तो स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, और सुबह के वक्त क्या करते थे हम, एक्स्ट्रा एग से शुरू करते थे। इम्प्रूव्ड द सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, इम्प्रूव्ड वो धीरे धीरे बढ़ता गया, सस्टेन जिसमें क्या हुआ जुड़ता गया, बाय द मिड डे वाइन दोपहर के वक्त जब हम वाइन पीते थे। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रैंडी, और हमारा जो दिन था ख़त्म होता था रात को आग के आगे बैठकर, और हम क्या करते थे ब्रैंडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो यार टेम्पटेशन का मतलब है ग्रीड कह सकते हैं, लालच या प्रलोभन हिंदी में बोल सकते हैं, अलग लालच में हिंदी का वर्ड है। टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, हमारा क्या हम थोड़े से ग्रीडी हो गए कि ट्रिकी को क्या करें, परमानेंट गेस्ट ही क्यों ना रख लें। बट आई न्यू मिसिज फम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, मतलब मुझे पता था कि मिसिज फम्फ्रे काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी मतलब एक्साइटेड हैं इस बात को जानने के लिए, यानी ट्रिकी कंडीशन को जानने के लिए। आफ्टर अ फोर्टनाइट मतलब 15 दिनों के बाद फेल्ट कम्पेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड। फेल्ट कम्पेल्ड मतलब मुझे यूँ महसूस हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, टू फोन किया एंड टेल हर, और उन्हें बता दिया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। वो जो छोटा कुत्ता है वो ठीक हो गया है और वो आपकी वेट कर रहा है कि आप उसे ले जाएं। विद इन मिनट्स कुछ ही मिनट्स में अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनट में क्या हुआ, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मतलब एक काले रंग की धातु ने क्या किया, ग्लीमिंग शाइन किया, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, वो रुकी कहाँ पर, उस सर्जरी के बाहर की तरफ। द चौफर ओपन द डोर, जो ड्राइवर था जो चौफर था उसने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। आई कुड जस्ट मेक आउट, और मैं ये संभाल रहा था, मैं मेकआउट कर रहा था द फिगर, उन ढांचों को, उन फिगर्स को ऑफ मिसिज फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट, कि मिसिज फम्फ्रे लगभग गुम हो चुकी थी इंटीरियर, कहाँ पर, इंटरनल पार्ट्स के अंदर, मतलब अपनी यादों में। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे वर टाइटली क्लैप्ड, वो मतलब कसकर जकड़े हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उन्हीं के सामने। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होंठ थे वो कंपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ, इज रियली बेटर, कि क्या वो ठीक है। अब देखो ऊपर मैंने आपको बताया, लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द चौफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं मेक आउट का मतलब वैसे यहाँ पे अंदाज़ा लगाना या देख पाना, द फिगर ऑफ मिसिज फम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कि वे
अंदर ही अंदर क्या थी, गुम हो रही थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प, मतलब उन्होंने अपने हाथों को इतना कस के पकड़ रखा था और अपने सामने, मतलब सामने ही रख रखा था। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके होंठ कंप कपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर, डू टेल मी द ट्रुथ इज़ ही रियली बेटर। मतलब वो किस लिए इतनी तड़प रही थी, कि वो सच सुनना चाहती थी, क्या वो सच में वो ठीक हुआ। यस ही इज़ फाइन, देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। तो हैरियट कहते हैं कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊँगा और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर गया। गार्डन के बीच से होते हुए मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और जब मैं गया था, मास ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों का जो झुंड था, वॉज हर्टलिंग राउंड। वो क्या कर रहा था, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वो हर्टलिंग मंडरा रहा था, राउंड एंड राउंड, गोल गोल द लॉन, एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में था। ईयर्स फ्लैपिंग, जो अपने कान फड़फड़ा रहा था। टेल वेविंग, अपनी पूंछ हिला रहा था। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, वो छोटा सा जो आकार था, जिसका जो नाम था ट्रिकी। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लिथ, मतलब 2 हफ्तों में उसका जो ट्रांसफॉर्म था, ट्रांसफॉर्मेशन था, इन टू अ लिथ, ट्रांसफॉर्म इन टू अ लिथ, मतलब कि उसने 2 हफ्तों में क्या कर लिया, अपने शरीर का बदलाव कर लिया। और किस तरह हो गया, लिथ का मतलब होता है लचीला, तो अपने फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। हार्ड मसल्ड एनिमल, मतलब उसके मसल्स भी काफ़ी हार्ड हो गए। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। मतलब अब उसकी जो शेप थी वो अच्छी दिखने लगी। आगे है, आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज इन द इन सॉरी टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। आई कैरीड हिम, मैं उसे लेकर आया, बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब घर के सामने। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, एंड इन अ ट्रमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसिज पम्फ्रेज लैप। लैप होती है गोद। और उसने क्या किया, वो ट्रमेंडस शानदार तरीके से लीप, मतलब मेरे हाथों से वो कूद कर एंड सेल्ड, सवार हो गया इन टू मिसिज पम्फ्रेज लैप, मिसिज पम्फ्रे की गोद में। शी गेव स्टार्टेड ऊ, तो उन्होंने मतलब साउंड दिया, यानी रिएक्शन साउंड दिया ऊ की तरह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, जैसे कि वो क्या कर रहा हो। स्वार्म्ड, स्वार्म्ड का मतलब ऐसे कोई स्पीडली थिंग होती है, उसके लिए बोला जाए, जैसे मधुमक्खियाँ हों या फिर कोई भी स्पीडली थिंग। ओवर हर, लिकिंग हर फेस, मतलब जल्दी से जल्दी वो क्या कर रहा था, उनको लिक कर रहा था, बाकिंग भोंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूशंस। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, मतलब इस एक्साइटमेंट के दौरान क्या हुआ, आई हेल्प द चोफर, मैंने उस चोफर की हेल्प की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स, के मैं बेड्स बाहर लेकर आया, टॉयज, खिलौने, क्यूशंस, वो तकिए, कॉर्ड्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, क्योंकि उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चली गई, मिसिज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तब मिसिज पम्फ्रे ने विंडो से देखा। टीयर्स शोन इन हर आईज, और उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। अब उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, एक ट्रायम्फ है, एक विक्ट्री है ऑफ सर्जरी, किसकी, सर्जरी की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर।